शादियों में ज्यादा लड़के ही काम करते हैं, तो ये हम लड़कियों ने करके दिखाया यहाँ पे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम हमीदा है, हम लार से आए हैं। हमने स्टार्ट किया, हमें पिछले साल से स्टार्ट किया है, जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई यहाँ पे, तो हमने तब से स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ पे हमने सिर्फ वेज बनाया था, अब हमने नॉन वेज भी स्टार्ट किया, तो इसमें हमने बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई है। आज यहाँ पे ये जो रूलर हट यहाँ पे चल रहा है, सारस मेला आज यहाँ पे, तो जो उम्मीद ने यहाँ पे किया है स्टार्ट, तो इसमें हमने यहाँ पे आज ये सीखा कि हम जो घर में खाना बनाते हैं, पहले तो हर एक लेडी अपने घर में एक शेफ ही होती है, क्योंकि मेहमान आवाज में तो कश्मीर बहुत ही फेमस है। अगर कोई मेहमान आता है तो बहुत सारी वैरायटीज़ घर में बनती है। तो हम सारी बहनें मिलके अलग अलग घर से आई, 10 बहनें 15 बहनें 20 बहनें, तो हर एक एक ने अपनी अपनी जिसमें उसको अपना टैलेंट था वो वैरायटी बनाई, तो ये जाके हमने अपना टैलेंट यहाँ पर पेश किया। तो ये खाना हमने परोसा, यहाँ के लोकल भी आए, बाहर से भी आए, जो यहाँ पे स्टॉल वाले भी हैं वो भी आए। हम ये बोलेंगे कि ये ऐसा टैलेंट है जो हर एक औरत के पास है, लेकिन इस टैलेंट को बाहर लाने का मौका हमें इस स्टेज पे मिला है। ये जो उम्मीद ने यहाँ पे पेश किया है, लॉन्च किया है सारस मेला, ये डिफरेंट स्टेट्स में जो होता है, तो यहाँ पे भी हुआ, पिछली बार जम्मू में भी हुआ, तो हम वहाँ पे भी थे, लेकिन हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है, हमने वहाँ पे अलग सा वैरायटीज़ ली थी। हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमें अपनी व्यूज़ दे रहे, शेयर कर रहे कि कहाँ पर कुछ कमी रह गई है, वो कैसे दूर कर सकते हो आप, या किसी को हमारा ये खाना बनाना अच्छा लगा तो उन्होंने हमें और ज़्यादा हौसला अफजाई की कि आप लोग इस मंच पे आए, क्योंकि ये काम आमतौर पे लड़के करते हैं, शादियों में ज़्यादा लड़के ही काम करते हैं, तो ये हम लड़कियों ने करके दिखाया यहाँ पे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये।